कल हमने कल स्पीसीज लिखा था, स्पीसीज तीन लिखा था बेटा हमने यहां पे, पैंथेरा, लियो पैंथेरा लियो पैंथेरा क्या पैराडस पैराडस एंड पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। पैंथेरा लियो क्या होता है बेटा? लायन। पैंथेरा पैराडस क्या होता लीपार्ड, और पैंथेरा टाइग्रिस जो होता है ये होता है टाइगर, ठीक है। तो पैंथेरा को हम क्या बोलते हैं? जेनेरिक नेम और जीनस, ठीक है। लीवो, पैराडस और टिग्रिस, ये तीनों वर्ड क्या है? स्पेसिफिक नेम। नो स्पीसीज दिव्यांशी बेटा, लीवो इज नॉट अ स्पीसीज, पैराडस इज नॉट अ स्पीसीज, टिग्रिस नॉट अ स्पीसीज, याद रखो। इनको अलग अलग हम स्पीसीज नहीं बोलते, लीवो अलग अकेले क्या है? स्पेसिफिक नेम है। पैराडस अकेले क्या है? क्या है अकेले? स्पेसिफिक नेम। टिग्रिस क्या है? स्पेसिफिक नेम। अब स्पीसीज देखो, पैंथेरा लियो इज द स्पीसीज, पैंथेरा पैराडस स्पीसीज, पैंथेरा टिग्रिस स्पीसीज, लायन लायन लीपर्ड एंड टाइगर ऑल आर बिलोंग्स टू सेम जीनस पैंथेरा और स्पेसिफिक सॉरी और जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम को ही हम जीनस बोलते हैं। तो यहां पर बेटा एक जीनस क्या है? जीनस या जेनेरिक नेम क्या है? पैंथेरा। तो जीनस हमने बोला कि रिलेटेड स्पीसीज, तो ये लायन लिपर्ड और टाइगर रिलेटेड स्पीसीज हैं, इनके ग्रुप को हम पैंथेरा बोल रहे हैं, और पैंथेरा एक जीनस है। तो जीनस की डेफिनेशन जो हम लोगों ने कल लिखी थी, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बेटा एक और जीनस होता है फेलिस, एक और जीनस होता है फेलिस। फेलिस क्या है? फेलिस भी बेटा एक जीनस है, अलग जीनस है ये। पैंथेरा एक जीनस है, फेलिस एक अलग जीनस है, ठीक है। तो फेलिस में क्या आते हैं? सारे कैट्स जितने भी हैं, कैट बिल्ली मौसी, ठीक है। जीनस कैट से बिलोंग करते हैं, कैट्स जीनस फेलिस से, ठीक है। अब इन दोनों को का फैमिली एक ही है,
कैट की, लायन की, लीपॉड की, टाइगर की। बिल्ली को देखो तो शेर के जैसे दिखती है, थोड़ा बहुत फैमिली सेम है। तो इसको और इसको दोनों को हम किस में लिखें, सेम फैमिली में? फैमिली कौन सी बेटा? अभी किसी ने लिखा था फैमिली का नाम फैलिडी। फैलिडी एक फैमिली है बेटा, ठीक है। इसी तरह से एक और फैमिली होती है जिसमें सारे डॉग्स आते हैं बेटा, है ना, कैनिडी। ठीक है, डॉग्स की फैमिली होती है कैनेडी। अब कैनेडी और फेलेडी में एक कॉमन फीचर है कि ये दोनों दोनों क्या होते हैं, कार्नीवोर होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं बेटा, कार्नीवोर होते हैं। तो ये फैमिली और ये फैमिली, ये दोनों फैमिली, बोथ फैमिली बिलोंग्स टू कॉमन क्या, ऑर्डर। कार्नी ओरा, कार्नी ओरा, ठीक है, समझ में आया? यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब एक बात सुनो, एक क्लास होता है मैमेलिया। मैमेलिया एक क्लास है बेटा। मैमेलिया क्लास में 13, 10 हो गया और 3+3, 13 ऑर्डर्स होते हैं। एनिमल किंगडम में आपको पढ़ाया जाएगा, नहीं तो एक्चुअल एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है वो चीज। 13 ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, क्लास मैमेलिया में, ठीक है ना। तो एक तो कार्नीवोर हो गया, एक और ऑर्डर होता है। 13 ऑर्डर्स के नाम हम यहाँ पे नहीं लिखने वाले। एक और ऑर्डर होता है बेटा प्राइमेटा। प्राइमेटा में मॉन्की, गिब्बन, गोरिल्ला एंड ह्यूमन, बिल्कुल प्राइमेटा में सभी आ जाएंगे, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, ह्यूमन भी उसी में आएगा, प्राइमेटा में ही आएगा, ठीक है। और ये कार्नीवोर ऑर्डर और प्राइमेटा ऑर्डर दोनों बिलोंग करते हैं बेटा सेम क्लास से। इन दोनों का क्लास सेम है और वो है मैमेलिया, ठीक है। अब जैसे क्लास मैमेलिया है, वैसे ही आपने और सारे कई सारे क्लास पढ़ा होगा। एप्स पढ़ा होगा 9th में, रेप्टिलिया, एम्फीबियंस, नाम तो सुना ही होगा इन सब का, है ना। एप्स जिसमें कि बर्ड्स आती हैं बेटा, एप्स, रेप्टिलिया, एम्फीबियंस, एम्फी, एम्फीबिया जिसमें फ्रॉग आता है, रेप्टाइल जिसमें कि क्रोकोडाइल आता है ना। ये कई सारे क्लास हैं। अब इन सभी क्लास को, जितने भी हैं, ये सारे बिलोंग करते हैं बेटा किससे? क्लास के ऊपर क्या होता है, फाइलम। क्लास के ऊपर फाइलम, सेम फाइलम इनका है। कौन सा?
कॉर्डेटा, इसी तरह से नॉन कॉर्डेटा भी होगा। कॉर्डेटा जिसमें कि नोटोकॉर्ड होता है, आपने पढ़ा है एनिमल किंगडम में, पढ़ा नहीं है तो पढ़ लोगे अभी एक दो दिन में। नॉन कॉर्डेटा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, पढ़ लिया है आप लोगों ने या नहीं? नो हाँ तो सर पढ़ा देंगे, जूलॉजी वाले सर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड ऑल एनिमल्स कैन डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। नाइन्थ में किया होगा। तो दूसरा होता है नॉन कॉर्डेटा, और इन दोनों को बेटा मिला के किंगडम बनाया गया, किंगडम। कौन सा? एनिमेलिया या एनिमल किंगडम। तो देखो मैमेलिया के क्लास क्या हुआ, क्लास किसको बोलेंगे? रिलेटेड ऑर्डर्स। रिलेटेड ऑर्डर्स मतलब कि ऐसे वो ऑर्डर्स जिनमें कुछ फीचर कॉमन है उसको क्लास में रखा गया। कुछ क्लास जिसमें कि कुछ कैरेक्टर्स कॉमन है उनको कॉर्डेटा में रखा गया, नोटोकॉर्ड सब में पाया जाता है, ठीक है। और कुछ फीचर्स जो कई सारे फाइलम में कॉमन है उसको किंगडम में रखा गया, जैसे सभी एनिमल्स हैं, ठीक है। तो जीनस इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, समझ में आया क्या? ये एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी में बेटा सब लिखा हुआ है, इधर उधर थोड़ा सा है, हमने सबको इकट्ठा कर दिया। कॉपी कर लिया आप लोग? कॉपी कर लो, अभी दो बच्चे और नहीं आए, आज आए थे शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। फटाफट करो बच्चों, तो कॉपी करो जल्दी जल्दी। डन, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, ठीक है। हाँ तो बेटा जरूरी नहीं कि एक जीनस में मोर देन वन स्पीसीज होगी, ये हमेशा नहीं होता, ठीक है, हमेशा नहीं होता ऐसा। कभी कभी एक जीनस में एक ही स्पीसीज होती है तो उसको हम बोलते हैं, अलग से एक स्टेटमेंट लिख लेना, मोनो टाइपिक स्पीसीज। किसको बोलते हैं? व्हेन जीनस हैव वन स्पीसीज, व्हेन अ जीनस हैव, व्हेन अ जीनस हैव वन स्पीसीज तो उसको मोनोटाइपिक स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। अब पॉलीटाइपिक किसको बोलते हैं बेटा? पॉलीटाइपिक जैसे व्हेन जीनस हैव मोर देन वन स्पीसीज तो उसको क्या बोलेंगे हम? पॉलीटाइपिक स्पीसीज। एग्जाम्पल इसका बेटा क्या है, आप पैंथेरा लिख सकते हो, पैंथेरा जीनस में बहुत सारी स्पीसीज आती हैं, तीन आती हैं, समझ गए?
समझ गए? हाँ ठीक है, अब बेटा क्या करो, हाँ अब क्या करना है आपको, प्लांट का भी एग्जाम्पल लेना है, आपके एनसीईआरटी में दोनों लिखा हुआ है, प्लांट और एनिमल्स दोनों का एग्जाम्पल, तो अब प्लांट का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। किंगडम प्लांटी, इसका ऊपर से नीचे चलते हैं, है ना, किंगडम प्लांटी, या इसको प्लांट किंगडम भी बोल सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत सारे डिवीजन, मोनोटाइपिक में क्या एग्जाम्पल आएगा, बहुत सारे हैं बेटा, टाइम से हम सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जहां पर जितना जरूरी होगा मैं बताते चलूंगा। सर स्पेसिफिक एपिथेट भी बोल सकते हैं स्पेसिफिक नेम को, देखो पिछला नोट्स नहीं हुआ, कर लो नोट्स। देखो बेटा ये जो पहला वर्ड होता है ना, जैसे मान लो यहाँ पे हम होमो होमो सैपियंस हमने लिखा और यहां पे लिख दिया मैंगी फेरा इंडिका, तो ये तो प्लांट है ना, और ये क्या है, एनिमल है, ये प्लांट है और ये एनिमल है, तो प्लांट और एनिमल दोनों में फर्स्ट वर्ड को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट वर्ड को बोलते हैं जेनेरिक नेम या जीनस दोनों में, और अगर एनिमल है तो एनिमल में सेकेंड वर्ड को हम बोलते हैं स्पेसिफिक नेम, और प्लांट है तो सेकेंड वर्ड को हम बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। क्लियर हुआ? हाँ श्वेता ठीक है, और कोई डाउट किसी को, किसी को और कोई डाउट? सर मॉर्फो स्पीसीज में फिजिकली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर आते हैं, बिल्कुल। मॉर्फो मीन्स होता है एक्सटर्नल, मॉर्फो मीन्स होता है बेटा एक्सटर्नल, तो मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलें सर, टेस्ट के लिए मॉड्यूल से क्वेश्चन करें, कर लो, लेकिन मॉड्यूल में बेटा वो क्वेश्चंस जो आपको लगे कि क्लास में नहीं पढ़ाया गया उसको मत करना, है ना, कुछ एक्स्ट्रा दिए हुए हैं जिसकी जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा सा रह गया। हाँ ठीक है, किंगडम प्लांटी देखते हैं बेटा। प्लांट किंगडम में बहुत सारे डिवीजन है, फाइलम को प्लांट में डिवीजन बोलते हैं ये आप जानते हो, ठीक है ना, ठीक है। हम प्लांट में फाइल, सर लास्ट पेज का लास्ट पार्ट दिखाना एक बार, भाई कितनी बार देखोगे और कितनी बार, दो लाइन लिखी हुई है, आप इतना लेट लगाते, टेस्ट के लिए एनसीईआरटी करनी है, नोट्स करना है, जितना मैंने लिखवा दिया है सब कर लेना आज तक का। चलो तो हाँ बेटा, प्लांट किंगडम में बहुत सारे डिवीजन होते हैं, ये तो किंगडम है ना,
अब इसमें डिवीजन आएगा, फाइलम के जगह पे डिवीजन लिखते हैं हम प्लांट्स में, आप जानते हो। तो एक डिवीजन इसमें हम लिखते हैं बेटा, डिवीजन डिवीजन एनजीओ स्पर्मी, एनजीओ स्पर्मी, ठीक है, ये डिवीजन है। तो डिवीजन के बाद कौन सा हायरार्की आता है बेटा, टैक्सॉन आता है। डिवीजन के बाद कौन सा टैक्सॉन आता है, क्लास, बिल्कुल सही बात है। तो इसके दो क्लास होते हैं, ठीक है, इसके दो क्लास होते हैं, एक होता है डाई कॉटिलेडनी और दूसरा होता है मोनो कॉटिलेडनी। ठीक है, डाइकॉट और मोनोकॉट, इसमें कि जिसके सीड में बेटा दो कॉटिलेडॉन हो, मतलब दो दालें हो, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, एक ही सीड में दो दाल होती है, दो कॉटिलेडॉन होते हैं। मोनोकॉट जैसे कि राइस है और व्हीट है, एक ही होता है, ठीक है, एक कैरेक्टर के बेसिस पे दो ग्रुप हो गया प्लांट्स का, ठीक है। ये आप पढ़ोगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, प्लांट किंगडम में भी पढ़ोगे। बहुत ज्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं करना है हमें, तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की देखनी है बस। क्लास को डिवाइड करते हैं ऑर्डर्स में, ठीक है, क्लास को डिवाइड करते हैं बेटा किस में, ऑर्डर्स में। तो डाइकॉटिलेडनिका में दो ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर, पहला है पॉलीनोमियल्स, दूसरा है सैपेंडेलिस, ठीक है, सैपेंडेल्स, डी ए एल ई एस, दो ऑर्डर हो गए। अब पॉलीनोमियल्स में, पॉलीनोमियल्स को क्लासिफाई करें तो देखो, पॉलीनोमियल में एक फैमिली होती है, इसमें एक फैमिली होती है, कौन सी, आपके एनसीईआरटी में गिवन है, सोलेनेसी, हाँ बहुत बढ़िया, किसने लिखा है, दिव्यांशी ने, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, सोलेनेसी, ठीक है, ये फैमिली है। अब फैमिली के बाद आता है जीनस, ठीक है, सोलेनेसी में तीन जीनस होते हैं बेटा, सोलेनेसी में तीन जीनस होते हैं, पहला है सोलेनम, दूसरा है पेटूनिया और तीसरा होता है दतुरा, ठीक है। अब सोलेनम में, सोलेनम जीनस में बेटा ये पॉलीटाइपिक है जीनस, पॉलीटाइपिक सोलेनम, फोर स्पीसीज बिलोंग करते हैं इससे। क्या मैंने वो सबके नाम आपको पहले बता रखा है या नहीं, मुझे याद नहीं है, आप बताओ। सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, हाँ ये बता रखा है या नहीं,
हाँ या ना, कुछ लिखो तो फिर मैं बताऊं। बताया था बिल्कुल तो यहाँ पे चारों के नाम आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। सोलेनम, ट्यूबेरोसम, सोलेनम, नाइग्रम, सोलेनम, लाइको पर्सिकम एंड सोलेनम मेलॉन जेना। यहां पे मैं जगह नहीं है, इधर लिख देता हूं। सोलेनम मेलॉन जेना। सर ये सारे लर्न करने हैं, अपने आप लर्न हो जाएगा। देखो सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, सोलेनम मेलॉनजेना, ब्रिंजल पोटैटो टोमैटो, है ना, सब याद तो हो गया। मकोय, आप टेंशन मत लेना कि यार इतना याद कैसे होगा मुझे, हम बोलते बोलते आपको याद करवा देंगे। प्रेयर स्कूल का बड़ा टफ लगता है आपको, कब याद हो जाता है कुछ पता नहीं, है ना, इतने क्योंकि रोज सुनते हो ना तो इसकी रिपीटेशन होगी बहुत कई बार, वैसे आपको याद हो जाएगा, घबराओ मत, याद हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा सेपेंडेलिस जो है, सेपेंडेलिस इसका एक फैमिली होता है एनाकार्डिया। सेपेंडेलिस की एक फैमिली होती है, ये फैमिली के सामने मैं लिख रहा हूं, CEAE लगाते हैं, एनाकार्डियेसी। ठीक है, ये फैमिली है। इसके बाद जीनस आएगा, ये है जीनस। तो एनाकार्डिया से बिलोंग करने वाला जो जीनस है वो है बेटा मैंगी फेरा और इसका जो स्पीसीज है वो है मैंगी फेरा इंडिका मैंगो। ठीक है, कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी कर लिया तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, रिटर्न नहीं आऊंगा। चलो बेटा अब लिखो फैमिली, हेडिंग दो फैमिली। क्यों, हमने जीनस स्पीसीज कर लिया, वैसे तो सबके एग्जांपल्स भी देख लिए हैं हमने। फैमिली टर्म जॉन रे ने दिया था बेटा, टर्म फैमिली गिवन बाई ठीक है। और ये क्या होगा, रिलेटेड जेनेरा का ग्रुप होगा। ठीक है, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, लिखिए इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज, विद लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस, एज कंपेयर टू जीनस। रिपीट कर दूं, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज, विद लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज
एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज, एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज, क्योंकि उन दोनों से बड़ा ग्रुप है ना, इसलिए। नेक्स्ट फुल स्टॉप, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड बाई बोथ, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड बाई बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स, कैरेक्टराइज्ड बाई बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर बोथ। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर का मतलब आपको समझ में आता है, हाँ बेटा बताओ आता है या नहीं, यस आर नो? बोलो बोलो, आता है, बहुत बढ़िया। हाँ फ्लावर वाला पार्ट है प्लांट में, तो वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और उसको छोड़ के बाकी सारा कुछ है वो वेजिटेटिव पार्ट है, तो दोनों को इसमें कंसीडर करते हैं। अच्छा इसके जी फैमिली के लास्ट में बेटा जो सफिक्स लगता है, अभी अभी आपने देखा है ना, एंड्स विद सफिक्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एंड्स विद सफिक्स इन प्लांट्स, प्लांट्स में फैमिली के लास्ट में क्या लिखा रहता है बेटा? ACEAE, दिव्यांशी शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। प्लांट्स में फैमिली के लास्ट में ACEAE होता है, ठीक है, ये याद करना है। बाकी का अब मैं जो लिख रहा हूं वो नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, है ना। कभी कभी सब फैमिली भी होती है, सब फैमिली, प्लांट की बात कर रहा हूं, सब फैमिली को ट्राइब बोलते हैं, ट्राइब, सब फैमिली को हम ट्राइब, TRIBE, ट्राइब, और सब फैमिली के लास्ट में EAE होता है, EAE, ठीक है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने शायद, EAE तो होता ही है, उसके पहले OID भी होता है, OID, EAE, सब फैमिली के लास्ट में ये होता है प्लांट में, ठीक है, और सब ट्राइब भी होता है, कभी कभी सब ट्राइब भी होता है, उसके लास्ट में EAE लिखते हैं, ठीक है। एनिमल फैमिली के लास्ट में, इन एनिमल फैमिली एंड्स विद सफिक्स क्या? AE, आई, मतलब बेटा फैमिली है ये, IDAE,
ठीक है, एनिमल फैमिली के लास्ट में लिखते हैं, सब फैमिली में सब फैमिली में क्या लिखते हैं, आई एन ए ई। वैसे आपको केवल ये याद रखोगे तो काम चल जाएगा आपका, ज्यादा से ज्यादा अगर जरूरी होगा तो ये याद कर लेना बस, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए सी ई ए ई, ठीक है, कॉपी कर लिया बच्चों यहां तक? ओके, अब बेटा चलो, ओके, अब बेटा ऑर्डर, ऑर्डर टर्म गिवन बाय लीनियस, तो ऑर्डर क्या होगा, वन आर मोर रिलेटेड फैमिली, इट इंक्लूड्स वन आर मोर रिलेटेड फैमिलीज, इट इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर, ठीक है। और कई सारी कैटेगरी जैसे कि स्पीसीज, जीनस और फैमिलीज, कैटेगरीज लाइक, नेक्स्ट पॉइंट है ये, स्पीसीज, जीनस, और फैमिली, ये बेटा किस पे बेस्ड था, ये जो हम इसका जो क्लासिफिकेशन जो हम कर रहे थे ये किस पे बेस्ड था, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, समझ रहे हो, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे था। आपको ये याद रखना है कि ये जो तीनों लोअर कैटेगरी हैं, ये सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे था, ठीक है। अब ऑर्डर फैमिली से ऊपर है, तो ऑर्डर और उसके ऊपर वाला सारा अप टू किंगडम तक, ऑर्डर एंड अदर हायर कैटेगरीज आइडेंटिफाइड बाई बेस्ड ऑन एग्रीगेट कैरेक्टर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लिख रहे हैं, ऑर्डर एंड अदर हायर कैटेगरीज, कहां तक, अप टू किंगडम तक, ठीक है ना, आइडेंटिफाइड बाई बेस्ड ऑन एग्रीगेट कैरेक्टर्स, इन ब्रैकेट लिख लो फ्लोरल कैरेक्टर्स, मतलब फ्लावर का कैरेक्टर, मतलब सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, स्टेमेन,
पिस्टिल जो भी बोलते हो, फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे मेनली हायर कैटेगरी को क्लासिफाई करते हैं। एग्रीगेशन मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया है डे फर्स्ट ही। एग्रीगेशन टिश्यू में बताया था मैंने, टिश्यू वाले टॉपिक में। ये दो लाइन आपको याद रखनी है कि जो नीचे के तीन होते हैं वो सिमिलर कैरेक्टर पे बेस्ड होते हैं और बाकी सारे एग्रीगेट कैरेक्टर्स पे बेस्ड होते हैं, और वो भी स्पेशली फ्लोरल कैरेक्टर्स। ये थोड़ा सा याद करने वाला पोर्शन है, ठीक है? ठीक है क्या यहां तक? ठीक चल रहा है? कोई डाउट किसी को? ठीक है सर। सर एक डाउट है, लिख बेटा कृतिका, बोल क्या डाउट है कृतिका बेटा, बता। एग्रीगेट चारा कैरेक्टर्स, एग्रीगेट कैरेक्टर्स क्या है? अच्छा बेटा, मैंने बताया था कि एटम्स के एग्रीगेशन से मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन से बड़े मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एंजाइम्स वगैरह। इनके एग्रीगेशन से सेल ऑर्गेनेल बनेगा, उनके एग्रीगेशन से सेल बनेगा, सेल के एग्रीगेशन से टिश्यू बनेगा, है ना? समझ गए? हाँ ठीक है। अब बेटा प्लांट्स में ऑर्डर के लिए हम यूज करते हैं ALES, ऑर्डर के लिए, ऑर्डर के लिए, ठीक है ना? लास्ट में सफिक्स हम यूज करते हैं ALES, सब ऑर्डर के लिए, सब ऑर्डर के लिए क्या यूज करते हैं, किसी को पता है? INEAE, ठीक है। फैमिली तक याद रखना, ये लिख लो, कभी जरूरत पड़े तो ठीक है, नहीं तो बहुत ये नहीं पूछा जाएगा बहुत ज्यादा नीट में, है ना? हो गया यहां तक बच्चों? क्लियर है? ओके, अब चलते हैं क्लास के तरफ। क्लास भी किसने दिया था? क्लास लीनियस ने ही दिया था बेटा, लिख लो, टर्म गिवन बाय लीनियस। और ये क्या होगा? इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, ठीक है? कैसे? वो मैंने पहले ही चार्ट में बता दिया है, ठीक है? चाहो तो अभी फिर से एग्जांपल बता दूं। जैसे बेटा एक ऑर्डर था, हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है, एक ऑर्डर पढ़ा है ना, कॉर्नियोरा। एक और ऑर्डर होता है प्राइमेटा, मैंने बताया आप लोगों को। प्राइमेटा में क्या क्या आता है बेटा? मंकी, गिब्बन, गोरिल्ला, ह्यूमन एक्सेट्रा, ये सारे आते हैं। तो ये दोनों ऑर्डर रिलेटेड हैं, है ना? किस मामले में? सबके पास मिल्क ग्लैंड होती है, मैमेलिया, है ना? तो इन दोनों को मिला के एक सेम क्लास बना दिया गया,
और वो होता है मैमेलिया। ठीक है, इन प्लांट्स विद सफिक्स। प्लांट में क्लास के लास्ट में क्या लगाते हैं? ऑप्सीडा। ऑप्सीडा जैसे हिपैटिक ऑप्सीडा, ब्रायोप्सीडा है ना। हाँ ऑप्सीडा। और एनिमल में बेटा, और सब क्लास में ए ई लगाते हैं। प्लांट में ही सब क्लास में ए ई लगाते हैं। ए ई। इसके बाद आता है फाइलम और डिवीजन। कॉपी कर लो जल्दी। फाइलम या इसी को बोलते हैं डिवीजन। डिवीजन हम वर्ड यूज करते हैं बेटा प्लांट्स के लिए, और फाइलम हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए। लिखा नहीं था कनिष्का, लिख लो बेटा, लिख लो। ऑर्डर में एनिमल का सफिक्स नहीं है, नहीं होता, होता है बट उस जो जरूरी नहीं है वो मैं क्यों बताऊं, छोड़ दो, होता तो सब कुछ है, काम चल जाएगा आपका इसी से, छोड़ दो। फाइलम एंड डिवीजन, ये टर्म दिया था बेटा क्यूवियर एंड इचलेर। टर्म गिवन बाय क्यूवियर एंड इचलर। ठीक है, इसमें लिखिए इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन क्लास। कई सारे क्लास को मिला के फाइलम या डिवीजन बनता है। इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन क्लास, मोर देन वन क्लास हैविंग सम सिमिलर कॉमन कैरेक्टर्स। It consists of more than one class having some similar common characters. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा नोटोकॉर्ड आप लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़ा नहीं है ना, अभी तक नहीं पढ़ा होगा, नाइन्थ में थोड़ा सा पढ़ा होगा। अगर आपको याद हो तो कॉर्डेटा को और नॉन कॉर्डेटा को किसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं बेटा? ये हमारे देखो, ये हमारी वेंट्रल साइड होती है, और ये बैक साइड जो है क्या है, डॉर्सल साइड है, और ये साइड वाला लेटरल साइड है। तो डॉर्सल साइड में
बीच में जहां वर्टिब्री है उसके अंदर एक लॉन्गिट्यूड स्पाइनल कॉर्ड, बहुत बढ़िया दिव्यांशी, स्पाइनल कॉर्ड है तो वो मॉडिफाइड नो मॉडिफाइड जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना वो मॉडिफाइड नोटोकॉर्ड होता है बेटा। हाँ नहीं टेल तो फिर ठीक है दूसरी बात हो जाएगी। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो मॉडिफाइड नोटोकॉर्ड होता है, ये केवल नोटोकॉर्ड कॉर्डेटा में ही पाया जाता है। और उसके अंदर क्या होता है, डॉर्सल, डॉर्सल है ना ये, होलो मतलब कि अंदर से खाली, जिसमें कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, सीएसएफ जिसको बोलते हैं, होलो न्यूरल सिस्टम, वही स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो एग्जांपल में क्या लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, कौन सा फाइलम होता है बेटा, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा ये फाइलम है। ठीक है, प्लांट्स में सफिक्स लगाते हैं बेटा फाइटा, इन प्लांट्स में सफिक्स लगाते हैं हम फाइटा, ठीक है। हाँ बिल्कुल फाइटा, और सब सब डिवीजन, डिवीजन बोलेंगे इसको, सब डिवीजन, हाँ बिल्कुल सब डिवीजन के लिए हम लगाते हैं फाइटिना, सब डिवीजन के लिए लगाते हैं हम फाइटिना, हो गया यहां तक। ओके अब बेटा बढ़ते हैं हम, एक और लास्ट रहता है किंगडम, किंगडम, किंगडम क्या होती है, हाईएस्ट कैटेगरी इन टैक्सोनॉमी, सबसे बड़ी कैटेगरी होती है ना, हाईएस्ट, हाईएस्ट कैटेगरी इन टैक्सोनॉमी, ठीक है। और इसमें सभी ऑल एनिमल्स कैन ग्रुप टुगेदर इन एनिमल किंगडम, इन एनिमल किंगडम, या इसी को क्या बोलते हैं, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। सारे प्लांट्स को किस में कंसीडर करते हैं बेटा, ऑल प्लांट्स ग्रुप टुगेदर इन प्लांट किंगडम, या इसी को क्या बोलते हैं, किंगडम प्लांटी, ठीक है। अब चलो देखो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं,
जब हम स्पीसीज से बेटा किंगडम के तरफ चलते हैं तो स्पीसीज क्या है? लोअर कैटेगरी है, लोअर कैटेगरी या लोअर टैक्सा है, ये लोअर टैक्सा है और किंगडम क्या है? हायर टैक्सा है। व्हेन वी मूव फ्रॉम किंगडम स्पीसीज टू किंगडम तो ये असेंडिंग ऑर्डर होगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, बताओ? ये जो ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर होगा बेटा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ते हैं जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ते हैं, नंबर नंबर ऑर्गेनिज्म का, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा बेटा असेंडिंग ऑर्डर। तो ऑर्गेनिजम्स तो बढ़ेंगे, ऑर्गेनिजम्स तो बढ़ेंगे, लेकिन मोनेरा प्रोटिस्टा किंगडम में इंक्लूड होना होंगे क्या? भाई वो चलो वो अलग अलग सेपरेट किंगडम है, मोनेरा प्रोटिस्टा जो बोल रहे हो पंगी, इसके बारे में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में और पढ़ेंगे फिर से दोबारा, परेशान मत होना, ठीक है? तो कॉमन कैरेक्टर्स क्या होगा असेंडिंग ऑर्डर में बेटा? कॉमन कैरेक्टर्स विल बी डिक्रीज की इंक्रीज? डिक्रीज, शाबाश बेटा प्राची, बहुत बढ़िया। डिक्रीज सब लोग बता रहे हो, डिक्रीज मतलब पूरी तरह समझ में आ रहा है, डिक्रीज होगा बेटा, डिक्रीजेज, ठीक है, कम होगा, ठीक है। तो ये जो लोअर टैक्सा है बेटा, मोर कैरेक्टर आर शेयर बाय द मेंबर्स, मैक्सिमम जो कैरेक्टर शेयर किया जाता है वो लोअर टैक्सॉन में शेयर किया जाता है। तो लोअर टैक्सा के आगे चाहो तो लिख सकते हो मोर कैरेक्टर्स आर शेयर बाय द मेंबर, मोर कैरेक्टर्स आर शेयर बाय द मेंबर्स, कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ता है, ठीक है। हायर कैटेगरी में कॉमन कैरेक्टर कम होते हैं, इसीलिए हायर कैटेगरी को क्लासिफाई करना बेटा बहुत डिफिकल्ट होता है, इन हायर कैटेगरी मोर डिफिकल्ट टू क्लासिफाई, लिख लेना चाहो तो लिख लो, इन हायर कैटेगरी मोर डिफिकल्ट टू क्लासिफाई, स्टेटमेंट लिखो, अभी जाना मत क्लास छोड़ के, इन हायर कैटेगरी मोर डिफिकल्ट टू क्लासिफाई, इन हायर कैटेगरी मोर डिफिकल्ट टू क्लासिफाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा, अब लगभग ये तो खत्म ही हो रहा है, टैक्सोनॉमिक एड्स, ठीक है, वो पढ़ेंगे। आज किसी को कोई डाउट हुआ क्या? बताना बच्चों, तो किसी को कहीं कोई डाउट है क्या?